त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ जनपद में करंट सता सकता है। ग्राम पंचायत फरहदा के ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने का फैसला किया है। बताने की ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली लाने के लिए 3 साल से काम चल रहा है। गांव में जगह जगह बिजली के खंभे लग चुके हैं, उन पर तार भी डल चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, जिसके चलते ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से की है, लेकिन बजाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। अब ग्रामीणों ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस मामले की शिकायत जब अनूपपुर जिले के विद्युत केंद्र के सहायक आयुक्त से की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। कब के खम्भा गड़े हराए, 3 साल है गए, न ट्रांसफार्म लगे, न कुछ लगे। हमारे ग्राम पंचायत फरहदा में अभी तक लाइट का समस्या है, ये 3 साल से अभी तक लगा नहीं है। क्या नहीं लगा है? लाइट नहीं लगा है, कनेक्शन नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि अभी 100% गाँव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जो भी बजरे टोले, जो भी गांव छूटे हुए हैं, वो अभी सौभाग्य योजना का जो सेकंड फेस आना है, केंद्र सरकार की योजना है, तो उसमें वो सारे कवर हो गए और उनका भी विद्युतीकरण होना है।